हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और गाइस, आज कोई रेसिपी नहीं लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। आज की वीडियो है जो इट इज अबाउट स्कैम, जो मेरे साथ होते होते मैं बचा हूं उस स्कैम से। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि वो वीडियो क्या है। सर, आपको एमडी राजकुमार रिसीव करवाएंगे एसबीआई स्टेट बैंक के मैनेजर आपके नजदीकी कोई भी बैंक से। अच्छा, तो वो आप मेरे को उनका नंबर देंगे या उनको मेरा नंबर देंगे आप? आप उनका नंबर लिखो एसबीआई स्टेट बैंक मैनेजर का। तो केबीसी तो मैम आजकल आ नहीं रहा है अब। क्या सर? केबीसी तो आ नहीं रहा है आजकल, तो ये कैसे लगी है लॉटरी? मेरे भाई, आपको पता नहीं है कि हमारे कंटीन के हवाले से जो ये हमारा कोरोना वायरस चल रहा है। अच्छा जी, कोरोना वायरस की वजह से लकड़ो करवाया गया है। हैप्पी दिवाली की खुशी में जो कोरोना वायरस गरीब जनता के लिए लकड़ो करवाया है, आगे तो हम हैप्पी दिवाली की खुशी में लकड़ो करवाते थे, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से लकड़ो करवाया गया है। ये केबीसी ने अपना नाम ऊंचा करने के लिए लकड़ो करवाया है। मेरे भाई, ये आपको पता है कि ये हुकूमत टीम की हमारे से लकड़ो करवाया गया है। जो आपका नंबर सेलेक्ट होके आया है, जो मैंने आपको आपका नंबर बताया है, ये आपका नंबर पीछे सेलेक्ट हो गया है। पांच कंपनियों ने ये मिलके लक्ट करवाया गया था मेरे भाई, जिसमें सर आपका नंबर भी भाग्यशाली रहा। अच्छा, तो इसकी इसकी डिटेल्स आप मेरे को फॉरवर्ड कर दो। जी जी, आपको एमडी राजकुमार इसकी डिटेल देंगे कि लॉटरी कैसे और कब विन हुआ है और किस तरीके से आपको कल की डेट में आपके बैंक द्वारा रिसीव होगा। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं मुंबई के डॉक्टर से नीता मैम बात कर रही हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आप मेन ब्रांच जी मेन ब्रांच एयरपोर्ट दिल्ली के है। मेन ब्रांच एयरपोर्ट दिल्ली के अपनी राजकुमार है, अपनी राजकुमार का नंबर लिखो। मैं लिखूंगा, आप उनको मेरा नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए या तो। नहीं नहीं सर, वो आपने आपको पहले भी बताया, वो बहुत बिजी होते हैं, क्योंकि वो उनके पास जो कस्टमर के कॉल आते रहते हैं, जो वो अभी आप आपका कॉल जो आपका नंबर दे नहीं पाए। कॉल म्यूट कर दो। हाँ जी, तो आपने ये म्यूट क्यों करी है मेरी कॉल अभी? मेरे भाई, ये जो हमारे मेरी आवाज ही आएगी, क्योंकि जो हमारे जो चार मेरा हेड ऑफिस में आपका ये जो कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। हाँ। जो क्या जो चार ऑफिसर सुन रहे हैं यहाँ पे 45 कंप्यूटर से आपका फिर रिकॉर्ड भी मुकम्मल होगा। आप तो जो आपका बात चार मेरा हेड ऑफिस में रिकॉर्ड है दिल्ली मुंबई कोलकाता नाते, जिसमें सर सभी ऑफिसर देश विदेश में सुन रहे हैं आपकी मेरी आवाज। ये मैम, स्कैम करना बंद करो आप। सबसे पहली बात तो ये है, जो आप ये स्कैम कर रहे हो ना आप लोग, ये बंद करो, ये बहुत जल्दी पकड़े जाओगे आप लोग। हाँ, ये जो आप जो स्कैम कर रहे हो ना, ये हमें सब पता है। तो गाइस, जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने उस लेडी को जो मेरे से बात कर रही थी, पहली बात तो ये कि उनको बोलना ही नहीं आ रहा था। एटलीस्ट यार, अगर आप स्कैम कर रहे हो तो आप अच्छे कॉलर्स तो रखो कम से कम। और दूसरी बात गाइस, कि कोविड के नाम पे गाइस इतने ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरे पास इन अ डे मेरे पास एटलीस्ट 2 से 3 कॉल्स आते हैं कि आपकी लॉटरी लगी है, आपका नंबर सिलेक्ट हुआ है लॉटरी में, मैं आपको एक क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, आप वो स्कैन कर दीजिए और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो गाइज, इस वीडियो बनाने का पर्पस यही था मेरा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर पाऊं कि कोविड से जितने भी लोग मतलब जिनकी भी आर्थिक स्थिति मतलब फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी भी बिगड़ी हुई है, उन लोगों का कैसे फायदा उठा रहे हैं ये लोग। तो जिनके पास पैसे नहीं है तो उनको ये लोग लालच देते हैं कि आप इतने रुपए आप इस अकाउंट में सबमिट कराइए और आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, आप ये वाला क्यूआर कोड स्कैन कीजिए तो आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे। तो गाइज, ये लोग क्या करते हैं, क्यूआर कोड वाला भी स्कैम होते होते मेरे साथ बचा था, जिसमें कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। और उसमें क्या हुआ था गाइज, कि मैंने ओएलएक्स पे अपनी एक चीज सेल करने के लिए डाली थी, तो एक बंदे का मेरे पास कॉल आया और उसने बोला कि आई एम इंटरेस्टेड टू बाय दिस, जो मैंने जो चीज डाली थी ओएलएक्स पे। तो उसके बाद उसने मेरे को अपना एक क्यूआर कोड सेंड किया एडवांस पेमेंट के लिए। उसने बोला कि सर आप ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए
और यू विल गेट द मनी। तो मैंने तो वो किया नहीं और मेरे को पता था कि ये स्कैम ही है। तो मैंने जब उनको बोला कि इट इज अ स्कैम, तो आपने ये वाली वीडियो में भी देखा ही होगा कि द लेडी अब्यूज्ड मी, उन्होंने मेरे को गाली भी दी एट द एंड, और शी हैंग अप ऑन मी, उन्होंने फोन काट दिया। तो गाइज मैं यही, आप इस वीडियो का बनाने का मोटिव यही है कि आप स्कैम से ज्यादा बच सके। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के भी बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं। तो आप किसी को भी कुछ भी एडवांस पेमेंट पर कीजिए जब तक आपके हाथ में आपकी चीज ना आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाना। और गाइस आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस स्कैम का हिस्सा ना बन पाए, वो भी मतलब उनके भी पैसे अकाउंट से ना जाए एट दी एंड, यही है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो हमारे नए जो नए व्यूअर्स भी देख रहे हैं, वो भी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आगे रेसिपीज की वीडियोस तो देखो आपको पता ही आती रहेगी यार, आती रहती है। और थोड़े दिनों में एक लॉकडाउन चल रहा है तो हम कहीं ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे, तो ट्रैवल तो आई लाइक द मोस्ट, और रियाना को भी बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे ऐसे ही अच्छी सी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।